ये बड़ी खबर पड़ोसी देश पाकिस्तान से, जहां सुप्रीम कोर्ट पर सबकी निगाहें लगी हुई हैं। थोड़ी देर में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला है। इस बीच बड़ी खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि डिप्टी स्पीकर फैसला नहीं दे सकता है, संसद भंग करने का फैसला सिर्फ स्पीकर के द्वारा ही दिया जा सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी, जिस तरीके से डिप्टी स्पीकर ने जो अविश्वास प्रस्ताव था उसको खारिज कर दिया था, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट की ये बड़ी टिप्पणी। उधर इमरान खान कह रहे हैं कि ये विपक्ष की बड़ी साजिश है, विदेशी ताकतों का हाथ है, और इधर सुप्रीम कोर्ट में ये पूरा मामला चल रहा है, इस पर सुनवाई चल रही है। आशीष कुमार सिंह और प्रणय उपाध्याय मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मैं प्रणय पहले आपका रुख करना चाहूंगी। देखिए, 75 साल पाकिस्तान की आजादी को भी हो चुका है और जिस तरीके की अजब गजब स्थिति बनी हुई है, जो काम संसद में होना चाहिए था वो सुप्रीम कोर्ट में इस समय चल रहा है। पूरी दुनिया की नजर इस समय सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, क्योंकि न्यूक्लियर ताकत है, इतनी बड़ी शक्ति है पाकिस्तान भी आज की तारीख में, तो ये माना जाए कि ये फैसला जो आएगा, जो सियासी बवाल मचा हुआ है उसको देखते हुए बहुत अहम होगा। बिल्कुल शोभना, बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि पाकिस्तान की सियासत में इस समय जबरदस्त उथल पुथल चल रही है। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि बीते 75 सालों में पाकिस्तान, जिसकी डेमोक्रेसी बनाने की कोशिशें अभी तक चल रही हैं, वो एक बार फिर लड़खड़ाती नजर आ रही है, एक बार फिर उसकी बैसाखियां गिर गई हैं। और पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट को तय करना है कि कोई कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी नाम की चीज़ है या नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से अब से 24 घंटे पहले जो नज़ारा पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में नजर आया, उससे तो कम से कम ऐसा लगता है कि वहां पर एक बनाना रिपब्लिक सी स्थिति है। क्योंकि जिस तरीके से एक इंटरप्रिटेशन निकालने की कोशिश की गई, एक साजिश का की चिट्ठी लहराई गई, उस साजिश की चिट्ठी के बाद पूरी पाकिस्तान की जो सियासत है वो अपसाइड डाउन नजर आ रही है। और विपक्ष अलग हंगामा कर रहा है, सरकार अलग हंगामा कर रही है, मामला पूरा कोर्ट में खड़ा हुआ है। ऐसे में शोभना, एक छोटी सी चीज मैं और जोड़ना चाहूंगा इसके अंदर, कि पाकिस्तान की सियासत पर हम बात केवल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान दुनिया का पांचवां सबसे बड़ा और न्यूक्लियर पावर स्टेट है। ऐसे देश के अंदर और एनआरकी का होना, इस तरीके के सियासी संकट का होना ठीक निशान नहीं है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।